द जोया फैक्टर। मैंने रैम्बो लास्ट ब्लड देखी, फिर प्रस्थानम देखी, फिर एंड लास्ट में ये जोया फैक्टर देखी मैंने। सच्ची कसम से मेरा ना दिमाग बहुत सही था जब तक मैं ये प्रस्थानम देख चुका था, ये ब्लड रैम्बो द लास्ट ब्लड देख चुका था, तब तक मैं सही था, बिल्कुल सही था, माइंड फ्रेश फील कर रहा था, मूवी देख के अच्छा लग रहा था। लेकिन जब से कचरा देखा ना यार, अभी कसम से ये सर इस साइड का ना दुख रहा है मेरा, ये इस साइड का बहुत दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि यार मैंने ये पछता रहा हूँ कि देखा क्यों यार मैंने, इतनी इतनी घटिया चीज़, इतनी कोई कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, ये मूवी चल रही है बिना वजह की, कोई पता नहीं क्यों बनाई है, किस किस लिए बनाई है, क्या मैसेज, ये मैसेज देना चाह रहे हो कि लक पे यकीन मत करो, अपने हार्डवर्क पे यकीन करो। यार चलो ठीक है, मैसेज सही है तुम्हारा कि लक पे यकीन नहीं करना चाहिए, हार्ड पे यकीन करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। लेकिन सोनम कपूर यार, सोनम कपूर ही मिली तुम्हें एक्टर के लिए, कहीं कोई एक्सप्रेशन नहीं, कहीं कोई एक्टिंग का लेना देना ही नहीं। क्या बताऊँ इस मूवी के बारे में, क्या अच्छा है इस मूवी में, कुछ अच्छा नहीं है इस मूवी में, मुझे तो कुछ अच्छा लगा है नहीं। बाकी आप लोगों की चॉइस है, आप जो चाहें, आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो देखना तो देख सकते हैं, लेकिन मैं तो देख के इसे पछता रहा हूँ, मैंने इसे देखा ही क्यों, सर में दर्द हो रहा है यार ये मूवी देखने के बाद। जब ये मूवी देख रहा था और बस मन कर रहा था कि यार चला जाऊं यार खड़ा होके, बस हो गया, पर नहीं, रिव्यू करना था, सोचा यार रिव्यू करना ही है, रुपए लगा ही दिए हैं तो देख ही लो यार, इसको झेल लो, जैसे तैसे झेल लो इस मूवी को, और वही किया, इसको झेला ही मैंने वहां बैठ के। मैं काफ़ी देर तक बैठा इस मूवी का, मैंने सोचा अभी इसका रिव्यू कैसे करूं, तो मैंने बहुत चीज़ें सोची, क्या बताऊं, ये वाली चीज़ बताऊं या ये वाली चीज़ बताऊं। एंड जब लास्ट में जब मैंने कैमरा ऑन किया और स्टार्ट करने लगा, तब इस कंक्लूजन में पहुंचा, यार इसमें कुछ नहीं है बताने को, क्या एक्सप्लेन करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, एक एक लाइन तक नहीं है इस मूवी की, कोई सिंगल मुझे कोई लाइन तक याद नहीं है इस मूवी की यार। बस जब निकला थिएटर से तो वो जो चैन की सांस रही ना, मुझे आज़ादी सी लगी वहाँ पे, सच्चे में मैं नहीं देखना चाह रहा था ये मूवी, पता नहीं मेरे मेरी किस्मत फूटी थी या भाग जो ये लक के ऊपर थी मेरा, वो सच में वो फूटा था जो मैं ये देखने पहुंच गया ये मूवी। अब मुझसे पूछो कि आप लोगों को मूवी देखने जानी चाहिए नहीं चाहिए, नहीं जानी चाहिए, आप लोगों के पैसे हैं, पैसे अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो जाके बर्बाद कर सकते हो, पैसे अगर लिमिटेड हैं तो यार रैम्बो द लास्ट ब्लड वो मूवी देख सकते हो, वो अब तक की जो मूवी मैंने अब तक देखी है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एक और मूवी रह गई है, वो और देखनी है, पल पल दिल के पास ऐसे कुछ है, जिसमें सनी देओल के बेटे हैं वो आए हुए हैं उसमें, उस मूवी में बस सच्ची में यार, मैं प्यार मोहब्बत की मूवी सच्ची में इतनी मुझे पसंद नहीं है, वो ऐसी ही है, रोमांटिक लव के ऊपर ही है, सर में दर्द हो जाता है जब ये ऐसी मूवी देखता हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा उसको देखने की, अगर टाइम लगा तो देख लूँगा, वरना भैया जयराम जी की। बस इतना ही था, कोई स्टार उटार नहीं देना चाहता यार इस मूवी को, ना मेरी इतनी हिम्मत है, बोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही इसके बारे में कि कुछ बोलूँ इसके मूवी का, जाने दो यार जाने दो। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।